ये न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रामजी सेवा समिति के माध्यम से रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रावण दहन कार्यक्रम के लिए दमोह के तहसील मैदान पर 50 फीट ऊँचा पुतला तैयार किया जा रहा है। रावण दहन के लिए उरई जालौन के कलाकारों के द्वारा रावण के पुतले को तैयार किया जा रहा है। करीब 50 फीट का यह पुतला रावण दहन के लिए तैयार हो रहा है। रामजी सेवा समिति के माध्यम से बताया गया कि परंपरा के अनुसार अनेक वर्षों से यह परंपरा अनवरत दमोह जिले में जारी है और उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए इस वर्ष भी रावण दहन तहसील मैदान पर किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN न्यूज़। रामजी सेवा समिति का 43वें वर्ष में जो रावण दहन का कार्यक्रम है वो इस वर्ष भी तहसील ग्राउंड पर संपन्न होगा। और इस वर्ष हमारा जो रावण का पुतला है वो उरई जालौन के कारीगरों के द्वारा बनाया जा रहा है। लगभग 50 से 55 फुट की उसकी हाइट है। साथ में वहीं के कलाकार सोनू भाई वगैरह आए हैं, उन्होंने रंगारंग और धमाकेदार आतिशबाजी भी दमोह के लोगों के लिए बनाई है। जैसा दमोह का पारंपरिक दशहरा इस तहसील ग्राउंड पर पिछले 43 वर्षों से होता आ रहा है, इस वर्ष भी होगा। चुनावी आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए कार्यक्रम को हम उसी अवधि में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। 10:30 बजे तक हम अपना कार्यक्रम समाप्त करने की प्रभु श्री राम जी की इच्छा से कोशिश करेंगे। और आप सब दमोह की जनता से, जनता जनार्दन से ये हमारा आग्रह है कि इस वर्ष आप सब पधारें। पिछले वर्ष तो अत्यधिक जलावृष्टि के कारण कार्यक्रम में बहुत अधिक व्यवधान आ गए थे, जिसके कारण बहुत अच्छे से नहीं हो पाया था। इस बार अगर राम जी की इच्छा अच्छी रही तो ये कार्यक्रम हम धूमधाम के संग अपने दमोह का मनाएंगे। हमारी पूरी टीम इस कार्यक्रम में लगी हुई है, श्री राम जी सेवा समिति की, श्री सुनील राय जी, रघुवीर गुप्ता जी, प्रभात राजपूत जी, निशांत विश्वकर्मा जी, प्रशांत जड़िया जी खुद भी एक बहुत अच्छे कलाकार हैं और अपना समय निकाल कर यहाँ पर भी राम जी की सेवा में उन्होंने अपना समय दिया है। तो आप सबको, सबके सम्मिलित प्रयासों से एक अच्छा कार्यक्रम देखने को मिलेगा। ज़रूर पधारें। जय श्री राम।